अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिश का सीज़न यानी कि मॉनसून स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन में, तो इसमें काफ़ी बारिश होती है तो काफ़ी क्रेविंग्स होती है कुछ चटपटा स्नैक इस टाइप पकौड़े इस तरीके के कुछ स्नैक वगैरह खाने का। तो इसी के हवाले से मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आज चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी। यहाँ पर इसके लिए मैंने चिकन लिया हुआ है, ये है 200 ग्राम्स के करीब। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है, इसे हमें छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ रखेंगे तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो चिकन पकौड़ा बनाने के लिए आप हमेशा बोनलेस चिकन ही लें और उसे छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लें। तो ये मेरे पास चिकन है 200 ग्राम्स के करीब, जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। ये यहाँ पर मेरे पास है मसाले, चाट मसाला है ये क्वार्टर टी स्पून है। ये गरम मसाला पाउडर है क्वार्टर टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी भी क्वार्टर टी स्पून है। ये धनिया पाउडर है, ये भी क्वार्टर टी स्पून है, और लाल मिर्च पाउडर क्वार्टर टी स्पून। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। तो अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। एक टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। एक इतने बड़े साइज़ के नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आपके नींबू का साइज़ छोटा है तो आप दो ले लें। इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। दो पिंच इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर आता है वो डालेंगे, सिर्फ कलर के लिए है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो दोनों को स्किप कर दें। अब हम इसमें दो टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और चूंकि ये पकौड़े हैं चिकन के तो इसलिए हमें इसमें बेसन भी डालना है, तो हम दो टीस्पून भर के ही बेसन भी इसमें ऐड करते हैं। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी फाइन चॉप करके डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको टाइम की सहूलत के हिसाब से, आपके पास जिस हिसाब से टाइम है, आपको इसको फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखना है ढक कर के। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्यूब्स में है तो इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मैरिनेशन के लिए रख देंगे तो जो इसके मसाले हैं वो अच्छे से अंदर तक के एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा बेटर आएगा। तो अभी हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखने जा रहे हैं। आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए, तो हमने एक बार फिर से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपको तो काफ़ी क्रिस्पी ही इससे पकौड़े चाहिए और क्रिस्पनेस चाहिए, एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस, तो आप इसमें सूजी हाफ टी स्पून या फिर आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पैन में तेल गर्म कर लिया है, तेल को हमें मीडियम हॉट चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर जल जाएंगे डालते ही, और अगर कम गर्म होगा तो मसाले जो हैं वो छूटने लगेंगे चिकन से। तो तेल हमारा मीडियम हॉट हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डाल लेते हैं। फ्लेम को भी आपको मीडियम ही रखना है। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसके साइड्स टर्न कर लेंगे। दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए इनमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए एक गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन पकौड़े बन करके बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, आप इसे ज़रूर से घर पर ट्राई करिएगा, और इवनिंग स्नैक के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकती हैं। ये जितने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं बाहर से उतने ही अंदर से जूसी होते हैं बहुत। तो इससे पहले कि मेरी चाय ठंडी हो जाए और मेरे पकौड़े भी ठंडे हो जाए, आप वीडियो को मेरे लाइक कर दें, रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो अपडेट्स आपको मिल सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।